गाड़ी अभी भी। मुझे माफ कर दे। आप ठीक है ना? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कल क्या हुआ था मुझे थोड़ा बहुत तो याद है, मगर जख्म की वजह से आपकी हालत खराब थी। आपने गाड़ी पे कंट्रोल खो दिया था। आप रोड से बिल्कुल बाहर चले गए थे, मगर संभाल लिया। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक हूँ मैं, आप फिक्र नहीं करें। चलो बैठ जाओ। मौसम कितना अच्छा है ना? क्या आज स्टेशन से फ्री होने के बाद हम दोनों साहिल पे जाके चाय पी लें? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ काम है, फौरन वापस आना होगा। खैर मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी तुम भी फ्रेश हो जाओगी। काम में इतना बिजी जो रहती हो, है ना? मैंने मना कर दिया हारून, काम खत्म करने के बाद हमें फौरन वापस आना है, मुझे फ्रेश होने की जरूरत नहीं। दुख, बहुत दुख की बात है। उस तरफ मुझे एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का पता मालूम है, तुम्हें वहां ले जाना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारे पास तो चाय के लिए भी वक्त नहीं है। नहीं है। ठीक है, मेरा काम खत्म हो गया है, तुम भी तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में पिक करने आऊंगा। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो अली, तुम ठीक हो अपनी जगह। मैंने इसलिए नहीं बताया कि तुम उदास हो जाओगे, यानी मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी तुम मेरे साथ जाने के लिए कितने खुश थे। हर उनके साथ कुछ काम है मुझे, अम्मी ने कहा है, आंटी के घर से कुछ सामान लेकर आना था मुझे, घर में हर कोई बिजी था, तो हारून ने कहा वो कर लेगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, वरना वो पार्सल नहीं देंगे। मैंने उन्हें मना किया था, मगर तुम तो अम्मी को अब अच्छी तरह जान गए हो ना अली, वो कोई एतराज नहीं सुनती। यानी अम्मी इसरार नहीं करती तो तुम नहीं चाहती, है ना? मैं वाकई हारून के साथ नहीं जाना चाहती थी अली, मगर अम्मी ने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो मजबूर हूं मैं। हो सकता है कि हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए और मैं वहां से जल्दी आ जाऊं। तुम कितने एक्साइटेड थे मुझे मालूम है,
ठीक है, इंतजार करूंगा। खैरियत तो है बेटा, इतनी तैयारी क्यों? शादी में जा रहे हो क्या? मुझे काम है अम्मी, काम है। मैं जा रहा हूं, ठीक है? जैसे मुझे तो पता ही नहीं है तुम्हें क्या काम है, पागलों की तरह जुमरुद के पीछे भाग रहा है। सबक सिखाऊंगी तुम्हें। क्या खासियत है उसमें? पागल हो रहा है उसके पीछे हर वक्त, बस जुमरुद। मगर मुझे मालूम है क्या करना है। हाँ, उस खानदान को अपने बेटे का इस्तेमाल करने नहीं दूंगी, कसम खाती हूं मैं। इसमें कोई शक नहीं जेवरिये, मुझे वो लड़का वाकई बहुत पसंद है। कौन अम्मी? और कौन होगा, हारून का कह रही हूँ मैं। मुझे तो इस सब के बाद और भी अच्छा लगने लगा है। मतलब बगैर कुछ कहे सर्जरी के लिए पैसे दे दिए उसने। वाकई कोई अच्छा है या नहीं मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। काम तो नहीं हुआ, मगर कम से कम उसने हेल्प तो की है। अरे मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुमसे ही बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने गलत क्या कहा है अम्मी, वो फौरन हमारी मदद के लिए तैयार हो गया। अगर इसमें रिस्क ना होता तो हमें औलाद नसीब हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, काम में आसानी हो? कौन है ये लड़की, तुम जानती हो क्या? नहीं अम्मी, मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे पहली बार देखा है। आप इसके कपड़े तो देखें जरा। बिल्कुल अजीब सी लग रही है, इसके कपड़े उसके बारे में सब बता रहे हैं। मगर मुझे तो लगता है वो जरूर किसी अमीर बाप की बेटी है, यहाँ से गुजर रही होगी तो इसलिए आ गई। खुशामदीद, आप कल यहाँ अपना मिरर छोड़ गई थी। मैं देने आ रही थी पर आप चली गई, मैं फौरन लेकर आती हूँ। अरे भाई, हारून बेटे का शुक्रिया कि मैं जब बुलाती हूँ फौरन आ जाता है। सब कुछ जानता है, बल्कि पूरी फैमिली को जानता है। बहुत इज्जत करता है हमारी, और उसका सुमरुद के साथ भी काफी अच्छा रवैया है। अल्लाह करे जल्द इनकी शादी हो जाए तो हम इनके बच्चों से खेलेंगे। मेरा तो मसला आप जानते ही है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। ये मेरे मंगेतर के बाबा ने दिया था। तो आप एंगेज्ड हैं? जी हाँ बिल्कुल। और तो और, जुमरुद बेटी जरा इधर आना। इजाजत दीजिए, काम है।